बिहार में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। इसमें सभी दलों की तरफ से जो राय आएंगी उस पर रविवार 18 अप्रैल को सभी संबंधित विभाग के मंत्री और पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसके बाद कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। चारा घोटाले के आरोप में 3.5 साल से सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शनिवार को जमानत पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण मामला एक दिन के लिए टल गया। उनका पूरा परिवार और समर्थक याचिका के मंजूर होने की आस लगाए हुए हैं। साथ ही लालू प्रसाद की जमानत पर रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। फिलहाल वे चारा घोटाले के 3 मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। इनमें 2 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि 3रे पर सुनवाई है। अभी वे दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं।